नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। आज बात करते हैं महिला सुरक्षा को लेकर। जी हाँ, क्योंकि छाती पीट पीट के, छाती ठोक ठोक के, लगातार शासन हो, प्रशासन हो, चीख चीख के ये बात कह रहा है कि भैया महिला सुरक्षा पे जिस तरह से हमने काम किया है और उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, ये सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन हालात क्या है, किस तरह से जो विवाद सामने आया है वो भी आपको बता दें कि कानपुर के एक गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरह से MMS लीक का मामला सामने आया, काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है, उसको लेकर वहां का जो सफाई कर्मी था उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके फ़ोन में जब जांच किया गया तो कई सारी वीडियोस मिली हॉस्टल की ही लड़कियों की। हालांकि ये जो कंप्लेन है, जो शिकायत है, वो हॉस्टल की ही एक लड़की ने की थी, जिसके आधार पर वहाँ के जो सफाई कर्मी हैं उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इतना बड़ा गिरोह, इस तरह से वीडियोस बनाना लड़कियों की, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरह से अगर कोई महिला, अगर कोई लड़की कहीं पर रह रही है तो एक संतोष की, एक ये इस बात का जो है आश्वासन कि वो जहाँ भी रह रही है वो सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित नहीं है। ऐसे में शिकायत करने जाती है और वहाँ का जो सफाई कर्मी है उसके फ़ोन में वीडियोस मिलती हैं, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उसी के आधार पर जब जांच और की जाती है तो पता चलता है कि वार्डन और एक और व्यक्ति जो था वो भी इन सारे चीज़ों में शामिल था, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन तब सवाल खड़े उठना लाजमी हो जाता है और ज़रूरी हो जाता है कि 24 घंटे मतलब 10 घंटे के भीतर भीतर 24 घंटे के अंदर अंदर वो दो लोग जिसको गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें हॉस्टल की जो वार्डन है उसे और उसके साथ साथ एक व्यक्ति, उसको जब गिरफ्तार किया जाता है उसकी बेल हो जाती है, जमानत हो जाती है। इतना बड़ा मामला महिला सुरक्षा को लेकर, लगातार इस बात की जो पुष्टि है वो लगातार, कोई ऐसा बचा नहीं है जो नहीं करता हो कि महिलाएं किस तरह से सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, फिर चाहे वो प्रशासन हो चाहे सरकार हो, लेकिन महिला किस तरह से सुरक्षित है जहां पर इस तरह, महिला जहां रह रही है गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरह से कारनामे लगातार वीडियोस के सामने आ रहे हैं वो बहुत डरावने हो जाते हैं। और ऐसे में जब उन लोगों को जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको इतने घंटे 24 घंटे के भीतर भीतर जमानत भी मिल जाती है तो इसके पीछे सवाल बहुत बड़े खड़े हो जाते हैं कि भाई आप किस तरह से कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित है। ऐसे में आप इस चीज़ की पुष्टि कैसे कर सकते हैं जहां पर इतना बड़ा मामला, जहां पर वीडियोस बनाने का मामला और साक्षात जब ये चीज़ देखी गई है तो उसके फ़ोन में ये चीज़ें मिली हैं और ऐसे में कोई सज़ा नहीं, कुछ नहीं, और सारा कुछ जो ठीक रहा है इन सारी चीज़ों का वो सुरक्षा, जहाँ पर वो जो सफाई कर्मी है उसके ऊपर फूट जाता है दिखावे के लिए। लेकिन उन सब के बीच हालात क्या है उस हॉस्टल के, ये भी आपको बता दें कि कानपुर के जिस हॉस्टल में सब हुआ वहाँ पर लगभग 55 लड़कियां रहती थी और सभी लड़कियों ने हॉस्टल छोड़ दिया है। जिस तरह से वो एक महिला, एक लड़की जब छोटी छोटी जगहों से पढ़ाई करने का, अपने सपनों को साकार करने का सपना लेके एक शहर में आती हैं, तमाम तरीके की बातचीत लेकर सामने आती हैं और उसके साथ साथ एक ऐसा भरोसा कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, सूबे के मुखिया, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, फिर चाहे वो कोई भी स्तर का अधिकारी हो, नेता हो, शासन प्रशासन, सब पर भरोसा कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। लगातार इस बात की पुष्टि भी की जा रही है कि भैया महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन कैसे सुरक्षित हैं? लगातार इस तरह की, जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहाँ पर ही आप सुरक्षित नहीं हो, और जब इस पर ऐसी केस होता है, शिकायत दर्ज की जाती है तो वहाँ पर जो आरोपी हैं उनको बेल मिल जाती है, मतलब जमानत मिल जाती है, वो छूट जाते हैं। ऐसे में बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं और लगातार वो जो लड़कियां हैं, जो हॉस्टल में लड़कियां महिलाएं रह रही थीं, वो लगातार अधिकारियों से इस बात की बार बार शिकायत कर रही हैं कि अगर आपकी बेटी इस तरह से पढ़ रही होती, क्या इसी तरह से जांच होती, क्या इसी तरह से जो आरोपी हैं उन्हें छोड़ दिया जाता, क्या इसी तरह से पूरी कार्रवाई की जाती। और ऐसे में जब जमानत दी गई तो वहाँ के DCP का क्या कुछ कहना है, किस तरह से उन्होंने, कोर्ट का आदेश है उस पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, कोर्ट ने जो डिसीजन लिया उस पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन सबके बीच जो धाराएं हैं वो किस तरह की लगाई गई हैं, ऐसी जो है न्यूट्रल धाराएं, ऐसी हल्की धाराएं लगाकर कि कोर्ट भी उस पर जो है आसानी से बेल दे दे, आसानी से जमानत दे दे, इस तरह की धाराएं लगाकर उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन क्या कुछ कह रहे DCP साहब, सुना देते हैं आपको। सूचना मिलने पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था
और तीन व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा तत्परता से तुरंत गिरफ्तार करते हुए, जिसमें एक सफाई कर्मी ऋषि, उस हॉस्टल का संचालक मनोज पांडे और एक महिला वार्डन, इन तीनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां पर तीनों को न्यायालय के द्वारा रिमांड दिया गया और बाद में संचालक और महिला वार्डन को न्यायालय के द्वारा जमानत दी गई है। माननीय न्यायालय द्वारा किस आधार पर जमानत दी है, इस संबंध में मेरी टिप्पणी किया जाना उचित नहीं होगा। और जहां तक विवेचना का प्रश्न है, उसके अतिरिक्त पुलिस के द्वारा जो आरोपी था उसके जो मोबाइल फ़ोन है और जो हॉस्टल था उसमें जो CCTV लगा हुआ था उसका DVR, ये दोनों IT एक्ट के प्रावधानों के अनुपालन में उनको सीज किया गया है और उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। देखिए, पुलिस के पास जो साक्ष्य थे और जो शिकायत छात्राओं के द्वारा की गई थी, उसके आधार पे केस डायरी में हमारे द्वारा सब चीज़ें लिखी गई थी और न्यायालय के समक्ष उसको पेश किया गया। अब जमानत देने का जो अधिकार है वो न्यायालय का है और उस पर मेरा टिप्पणी किया जाना उचित नहीं होगा। अगर ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आएगा या ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उस पर तत्समय उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मतलब इनके खिलाफ अभी जांच चल रही है, कार्रवाई और भी हो सकती है अभी? विवेचना चल रही है, विवेचना में अगर और साक्ष्य आते हैं, जैसा मैंने बताया कि मोबाइल फोन और CCTV की DVR को हमने सीज किया है, उसमें अगर और भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं और अगर आवश्यकता हुई तो उसमें धाराओं की वृद्धि भी की जाएगी, और अगर किसी और व्यक्ति का भी इसमें संलिप्तता मिलेगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जो हॉस्टल के जो मालिक हैं, जो उस भवन के मालिक हैं, उनके द्वारा ये एक 11 महीने के लिए किराए पे संचालक को ये मकान दिया गया था, उनको भी विवेचना में नोटिस देके उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे और इस पूरे संबंध में अगर उनकी कोई संलिप्तता मिलती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कानपुर के DCP हैं जो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई हम कोर्ट के चीज़ों पर सामने नहीं रख सकते, हम कोर्ट की चीज़ों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कहानियां, और उन सब कहानियों के सामने एक ये प्रश्नवाचक चिन्ह कि क्या सचमुच जो दावे किए जाते हैं वो सिर्फ हवा हवाई हैं, जो दावे लगातार प्रशासन भी कर रहा है और सरकार भी कर रही है कि महिला सुरक्षित है, बेटियों को लेकर लगातार जो मुहिम पे मुहिम और लगातार ये कहना कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, ऐसे में ज़मीनी हकीकत क्या है, ये ऐसी तस्वीरों से, ऐसी कहानियों से, ऐसी खबरों से साफ साफ समझ में आ जाता है कि आखिर किस स्तर पर प्रशासन इस पर काम कर रहा है। और एक और वीडियो आपको दिखा देते हैं जो कि एकदम अभी पुरानी नहीं हुई है बिल्कुल, क्योंकि लखीमपुर का मुद्दा जब आपने सुना, वो जिस तरह से तूल पकड़ा उसके बाद और डाइवर्ट किया जाता है, खबरों में दबा दिया जाता है, फाइलें दबा दी जाती हैं और नज़र से वो खबर हट जाती है। लखीमपुर का मुद्दा देखा, लेकिन फिर उसके बाद कानपुर का मुद्दा देखा और अब औरैया का मुद्दा, उसमें क्या है, वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि भाई एक खेत में एक बच्ची का शव मिला, संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला, जिसको ओढ़ा बिढ़ा कर पुलिस वाले ऐसे भाग रहे हैं और जो उसके परिजन है वो पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये औरैया की वीडियो है, पूरी वीडियो पहले आपको दिखा देते हैं। तो ये वो वीडियो है जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि महिला सुरक्षा में आखिर किस तरह से और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश नंबर वन पर है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही हैं और ऐसी कौन सी कड़ी है जिसको लेकर सरकार लगातार छाती ठोक ठोक के दावे कर रही है कि भाई महिला सुरक्षा, सुरक्षाएं सबसे ज़्यादा महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी ये भी पूछना है कि क्या शासन और प्रशासन, ये जो गतिविधियाँ सुरक्षा को लेकर होती है, वो दोनों गतिविधियाँ की जो जानकारी है वो सरकार को आखिरकार है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल। और सब पर क्या कुछ होगा, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।